मौसम बहार को खुशामदेद कहने के लिए कराची में खूबसूरत फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जहां शहर भर से लोग इन दिलकश मनाजिर से लुत्फंदोज होने पहुंच गए। रंगारंग फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज रहे और फूलों की महक ने इलाके को महका दिया। नुमाइश का मकसद अवाम को सेहतमंदाना तफरी की फराहमी के साथ साथ उनमें बागबानी का शौक भी उजागर करना था। सी व्यू पर 4 रोज तक जारी इस नुमाइश में आने वालों का कहना था कि ये एक खुश आइंद इकदाम है। हुकूमत को इस शोबे से वाबस्ता अफराद की हौसला अफजाई करनी चाहिए और उन्हें तजारती बुनियादों पर फूलों के इस्तेमाल के लिए सहूलियात दी जाएं। यहाँ सरामिक से बनाए गए घोड़े भी रखे गए थे जिनमें लोगों ने बेहद दिलचस्पी ली, मगर कीमतें काफी ज्यादा थी। यहाँ कई तरह के शेर भी रखे गए थे जो घरों की जीनत बढ़ाने का जरिया होते हैं। ये इंडोर रखने के लिए होते हैं, लेकिन सायादार जगहों पर भी रखे जा सकते हैं। अगर इन्हें बाहर रखना हो तो बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। बारासिंगा और हिरन भी यहाँ खड़े नजर आए, जिनकी चमकती खाल और सींग देखकर कोई भी उन्हें सराहे बगैर आगे ना बढ़ सका। दीगर परिंदे भी बड़ी तादाद में यहाँ रखे गए थे, जिनकी कीमतें हजारों में थी। सिर्फ साहिब हैसियत अफराद ही इस सेक्शन में खरीदारी करते नजर आए, वरना ज्यादातर ने उन्हें सराहने पर ही इक्तफा किया। घरों की आराइश के लिए मुख्तलिफ इकसाम के फाउंटेन भी यहाँ मौजूद थे। मार्बल, सेरामिक और प्लास्टिक के बनाए गए इन फव्वारों से गिरते पानी की आवाज यहाँ आने वालों को अपनी जानिब खींचती रही। हर शख्स की ख्वाहिश थी कि घरेलू अखराजात को भूलकर यहाँ से कुछ न कुछ लेकर ही जाए, लेकिन आम आदमी के लिए नुमाइश में आने का टिकट ही काफी था, जो बड़ों के लिए 100 रुपए और बच्चों के लिए 50 रुपए था। नुमाइश में जापान के बोनसाई प्लांट्स भी बड़ी तादाद में रखे गए थे, जिनमें लोगों ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी जाहिर की। बोनसाई पौधों की आराइश का एक जापानी तरीक़ाकार है। उसमें खास किस्म के पौधों की इस तरह काट छाट की जाती है कि वो कद में तो छोटे ही रह जाते हैं, मगर बनावट और साख में बड़े दरख्तों की तरह ही दिखाई देते हैं। ये बोने दरख्त बहुत खूबसूरत लगते हैं। जापान की सकाफत में बोनसाई की खास अहमियत है। 14 मई को बोनसाई डे मनाया जाता है। बोनसाई बनाने के लिए बेहतरीन मौसम फरवरी के आखिर से लेकर अप्रैल के दरमियान तक का है, या फिर जो बरसात का मौसम होता है वो भी साजगार रहता है। आइडियल पौधा वो होगा जो शहर से बाहर किसी उजाड़ नर्सरी में कहीं दूर दराज गोशे में एक छोटे से गमले में बेतहाशा बढ़ता हुआ आपके इंतजार में उम्र गुजार रहा होगा, या फिर किसी बड़े से गमले में जमीन से निकाला गया कोई आजिज दरख्त नुमा पौधा लगा होगा, जिसे मालकान ने नर्सरी शिफ्ट करते हुए निकाला होगा। पौधा वो ढूंढना चाहिए जिसकी बेस अच्छी मोटी हो, या उर्दू में कहें तो उसका तना अच्छा चौड़ा होना चाहिए। नुमाइश में मिट्टी, सेरामिक्स और प्लास्टिक से बने मुख्तलिफ इकसाम और साइज के गमले शामिल थे। इन गमलों की कीमतें चंद 100 से लेकर हजारों रुपए में थीं। ताहम कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं, इसीलिए लोग खरीदारी करते नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये स्प्रिंग रोज ट्रेडर के नाम से कंपनी है इंटरनेशनल। दुबई में 18-19 साल से और अभी पाकिस्तान में 3-1 साल हो गए। तो पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरे पाकिस्तान में हम होल सेल पे दे रहे हैं, बहुत अच्छी प्राइस पे दे रहे हैं। हमारे पास वैरायटी है, सिरेमिक है, फाइबर मेलामाइन है, प्लास्टिक है, टर्किश, 3-4 मुल्कों से इम्पोर्ट करते हैं हम पाकिस्तान। अच्छा भी है, फ़ायदार है, वजन भी इतना नहीं है और पौधे भी बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं इसमें। तो हमारे पास पौधे हैं आउटडोर, इंडोर, सारी चीज़ें जो नर्सरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, स्टूल, वो सारे हमारे साथ इधर मुहैया है, आपको मिलेंगे सारी चीज़ें। और रेट्स आपने इधर क्या है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनासिब रेट है, क्योंकि हमसे पहले भी लोग काम करते रहे हैं। अभी जो हमारे रेट है वो बहुत मुनासिब है, क्योंकि जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उन पे आपको अगर पता हो आजकल बहुत ज़्यादा ड्यूटियाँ हैं, लेकिन उस चीज़ का हमने ख्याल रखा हुआ है, बहुत मुनासिब रेट है इसके। फूलों को देखने के लिए आने वाले अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल थीं। उन्होंने नुमाइश के इनेकाद को सराहा। उनका कहना था कि ऐसी नुमाइशों का इनेकाद हर वक्त होना चाहिए, जिससे लोगों में अपने घरों में पौधे लगाने का शौक बढ़े। हल्के पीले, लाल, गुलाबी, सफेद और जामनी रंग के फूल खुशगवार तासुर पैदा कर रहे थे। कुदरत की खूबसूरती को देख कर हर शख्स की ख्वाहिश थी कि वो ये फूल घरों में भी सजा ले। कराची में ऐसी नुमाइशें बहुत कम लगती हैं,
ऐसी नुमाइशों से जहन तरोताजा होता है और ये लोगों के लिए खुली फिजा में सांस लेने का अच्छा मौका भी फराहम करती हैं। खूबसूरत कौसे कज़ह के रंग यहाँ हर तरफ बिखरे नजर आए। जमीन पर हर सू बहार ही बहार थी। दोपहर ढलते ही लोगों का समंदर उमंड आया। मुख्तलिफ खुशबुओं के खूबसूरत एहसास ने नुमाइश में आए अफराद पर सहर तारी कर दिया। इन्हें ये मंजर देखकर बहुत अच्छा लगा। शहरियों का कहना था कि उनका दिल बाग बाग हो गया है। नुमाइश में फूलों के साथ बच्चे भी महकते और चहकते रहे। फूल जिंदगी में खुशियों का रंग बिखेर देते हैं और इनकी खुशबू सुकून देती है। शुरका का कहना था कि नुमाइश में फूलों की कई अकसाम एक साथ देखने को मिली। पहले इनसे लगाव तो था मगर इनके बारे में मालूमात नहीं थी। शोख रंग के फूल आंखों को भले लगते हैं, फूलों को देखकर दिल को भी सुकून मिलता है, इसीलिए वो इन्हें यहाँ खरीदने आए हैं। लोगों ने फूलों से अपनी मोहब्बत का वालेहाना इजहार इस तरह भी किया कि कई ने गमलों से ट्रालियां भर ली और कई ने बड़े बड़े दरख्त भी खरीद लिए। शहरी कहते हैं कि हम कुदरती माहौल से बहुत दूर हो चुके हैं, हमें इधर आना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए। शहरियों का कहना था इन फूलों को देखकर अच्छा और तरोताज़ा महसूस होता है। मशीनी जिंदगी से निकलना चाहिए और फितरत की जानिब लौटना चाहिए। दुनिया में आलूदा हवा के नतीजे में हर बरस लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस सूरत हाल से छुटकारा हासिल करने का एक तरीका पौधे लगाना भी है। माहिरीन का कहना है कि आप जो कोई भी पौधा घर में रखें उसमें सबसे अहम बात जहन में रखने वाली ये है कि पौधे कुदरती तौर पर फिजा को साफ करते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें सेहतमंद रखा जाए। कराची के सी व्यू पर लगाए गए फ्लावर शो में आने वालों का कहना था कि हुकूमत लोगों को घरों में पीने का मीठा पानी तक तो दे नहीं रही। ऐसे में घरों में दरख्त लगाना और उन्हें पानी देना बहुत ज्यादा महंगा सौदा है। यही वजह है कि अब लोग पौधे घरों में उगाने के बजाय बागों ही में देखकर खुश हो जाते हैं। शहरियों का कहना है कि फूलों में गुले दाऊदी की किस्म सबसे मुख्तलिफ है, इसीलिए इसकी खूबसूरती भी सबसे अलग है। फैमिली के साथ फूलों की ऐसी नुमाइश में आना अच्छा लगता है। उम्मीद है आइंदा साल भी ये सिलसिला जारी रहेगा।